मोहदीनपुर शुगर मिल में शनिवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। मिल से धुआं उठता देख कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इसके जो टरबाइन थी, टरबाइन में डीजल के लीकेज होने के कारण इसमें आग लग गई थी। तुरंत हम लोगों को सूचना मिली, तुरंत दो गाड़ियां प्रतापपुर से, चार गाड़ियां फिर हमने पुलिस लाइन से, मैं और मेरे एसएसओ साहब पूरा स्टाफ सहित यहां पर हम लोग आए और आग सभी कंट्रोल में बुझाई जा रही है। बताया गया चीफ इंजीनियर नरेंद्र कुमार मिल में दोपहर के समय ट्रेन को देखने पहुंचे थे, इसी दौरान आग लग गई और आग ने चंद सेकंड में ही भीषण रूप ले लिया था। चीफ इंजीनियर ने खुद को आग की लपटों में घिरा देख दूसरे फ्लोर से छलांग लगा दी। मामूली रूप से झुलसे नरेंद्र कुशवा कूदने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गन्ना मिल में आग लगने के मामले में मिल पहुंचे मंत्री लक्ष्मी नारायण ने मिल प्रकरण में जाँच बैठाई, वही डीएम को भी जाँच के आदेश दिए। हादसे में मारे गए चीफ इंजीनियर को भी उन्होंने मुआवजा देने की बात कही। घूमने का पूरा प्रबंध हम करेंगे, एक भी गन्ना बाकी नहीं, किसान को कोई अहित किसी का नहीं होगा। जल्दी से जल्दी इंजीनियर बुलाए हैं, टेक्निकल लोग सब बुलाए हैं, जल्दी से जल्दी ही हम मिल को चलाने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि लापरवाही बताई जा रही है इसमें, अब देखिए आग लगने की, किसान भी टेक्निकल नहीं है, मैं भी टेक्निकल नहीं हूँ। टेक्निकल पहले हमें हमारी रिपोर्ट तो आ जाए, जो हमने कमेटी बनाई है, तभी तो किसी के पर तो दोषारोपण किया जा सकता है। जो सर मैनेजर की गिरने से मौत हुई है, क्या पूरा मामला, इसे क्या जांच का विषय है और उसको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, उसको पूरी तरह से उनके उनके परिवार के प्रति भी, यदि उनका कोई बच्चा परिवार में नौकरी के लायक होगा तो उसे नौकरी का भी प्रबंध। मिल में आग लगने के बाद डीएम दीपक मीना भी निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने भावुक होकर उन्हें हादसे की जानकारी दी। देखिए, अब जो चीनी मिल है इसके एक तरीके से टरबाइन में फर्नेस में आग लगी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक इंजीनियर इसमें एक्सपायर हुए, बाकी सभी लोग सेफली निकल गए। बाकी किसानों का है, यहाँ पे अभी जो टीम है ऑलरेडी जो इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखती है, उनकी पूरी टीम करनाल से आ रही है। बाय इवनिंग ये पता चल जाएगा कि ये मिल मतलब अभी मेंटेनेंस हो सकती है नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो यहाँ चालू होगी और अगर नहीं होगी या कुछ भी इशू होगा तो फिर उसी हिसाब से किसानों का जिस भी सेंटर पे हम लोग उसको डाइवर्ट करके गन्ना उसी हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे।